नमस्कार दोस्तों, एम एंड सी एजुकेशन वेलकम्स यू ऑल। एम एंड सी एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। आज के इस वीडियो सेशन में हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेने जा रहे हैं, जिसका नाम है महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। बेसिकली ये हमेशा एक साथ ही पढ़े जाते हैं, तो हम भी एक साथ ही पढ़ेंगे। महत्तम समापवर्तक का जो इंग्लिश में नेम है वो है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एज यू कैन सी, और लघुत्तम समापवर्तक का जो नाम है वो है लिस्ट कॉमन मल्टीपल LCM। आपने HCF और LCM ये नाम बहुत सुना होगा, ठीक है, तो इन सब का यूसेज भी आपको पता होगा। निकालना कैसे है, अगर नंबर्स की बात करें तो हम बड़े आराम से निकाल लेते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को भी और लिस्ट कॉमन मल्टीपल को भी। तो पहले ये देखते हैं कि महत्तम समापवर्तक या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है। आज की क्लास में हमें ये देखना है कि ये होता क्या है, कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इंटीजर्स का तो हम निकालना जानते हैं, फिर भी हम एक बार जरूर देखेंगे कि हम कैसे किसी दो या दो से ज्यादा नंबर्स का LCM और HCF कैसे निकालते हैं, अगर इंटीजर्स दिए हुए हैं हमें तो, पूर्णांक दिए हुए हैं तो। और अगर हमें जो है, अगर मान रखिए कि फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, तो उस केस में हम महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे वो भी आज की क्लास में देखेंगे। और फिर हम देखेंगे कि हमें लघुत्तम समापवर्तक का मतलब क्या होता है, मतलब हमें कैसे क्वेश्चंस में उसको यूज करने की जरूरत पड़ेगी, तो हम थोड़ा सा वो भी डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये हो गया कि आज की क्लास में हमें तीन बेसिक चीजें कंसीडर करनी है कि महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक होता क्या है, ये दोनों होते क्या है ये हमें पता करना है, इन दोनों को निकालते कैसे हैं वो हमें पता करना है, और इनमें भी हमें होल नंबर्स के देखने हैं, पूर्णांक के देखने हैं कि हम LCM और HCF कैसे निकालते हैं। साथ ही हमें यह भी देखना है कि अगर हमें फ्रैक्शंस का, मतलब भिन्न भिन्न जो होते हैं फ्रैक्शंस, उनके HCF और LCM कैसे निकाले जाते हैं। और फिर एक और चीज हम देखेंगे कि अगर हमें LCM और HCF दो नंबर्स का दिया हुआ है, उनमें से एक नंबर अगर हमें दिया हुआ है तो हम दूसरा नंबर कैसे निकालेंगे, या यूं कहिए कि दो नंबर्स के HCF और LCM के बीच में और दो नंबर्स के प्रोडक्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि ये महत्तम समापवर्तक होता क्या है और लघुत्तम समापवर्तक होता क्या है। तो हम जो है मान रखिए कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, 8, 12 और 16 है हमारे पास, तीन नंबर्स दिए हुए हैं। तीन नंबर्स में हमें अगर महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए कहा जा रहा है या पूछा जा रहा है कि महत्तम समापवर्तक है क्या, HCF है क्या, तो HCF बेसिकली वो नंबर होगा जो इनको डिवाइड कर रहा होगा और अपने में सबसे बड़ा होगा। जैसे देखिए कहने का क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि 8, 12 और 16 को 1 भी डिवाइड कर रहा है, 2 भी डिवाइड कर रहा है, 4 भी डिवाइड कर रहा है, और ये जो है हमारे पास 1, 2 और 4 में से 4 सबसे हाईएस्ट है, तो वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। बात समझ में आ गई कि हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो कि तीनों को डिवाइड कर रहा हो और ऐसा करने वाला वो नंबर सबसे बड़ा हो। मैंने जो अभी बताया कि 8, 12 और 16, तो 1 से तो सारे ही डिवाइडेड होते हैं, फिर 2, चूंकि ये तीनों नंबर्स जो हमें दिए हुए हैं ये इवन नंबर्स हैं तो ये 2 से भी डिविजिबल होंगे, और साथ ही हम चेक कर सकते हैं कि ये 4 से भी डिविजिबल है, 4 2 8 है, फिर 4 3 12 है और 4 4 16 है। अब इसके आगे कोई ऐसा नंबर हमें नहीं है, नहीं मिलेगा जो कि तीनों को डिवाइड कर रहा हूं, तो 4 इज द हाईएस्ट नंबर, तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, ठीक है। इसको निकालने के लिए हम दो तरीके लगाते हैं,
एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है और दूसरा होता है हमारे पास डिवीजन मेथड। तो वो दोनों मेथड हम देख लेते हैं अभी। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखते हैं। तो यहां पर 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 8 का जब हम फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 × 2 होगा, ठीक है। फिर 12 की बात करें अगर, तो यहां पर 2 × 2 × 3 आएगा। और 16 की बात करें अगर, तो 2 × 2 × 2 × 2। यहां पर क्या करना है, हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। 8 के प्राइम फैक्टर्स 2 × 2 × 2, या बेसिकली अगर हम इसको पावर नोटेशन में लिखें तो 2³ भी लिख सकते हैं। इसी तरह से इसको हम 2² और इंटू में 3 लिख सकते हैं, जबकि इसको हम लिख सकते हैं 2⁴, ठीक है। अब हमें HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो यहां पर देखिए 2³ है, 2⁻² है और 2⁴ है। इनमें से जो है कॉमन क्या है और वो हाईएस्ट भी होना चाहिए। तो यहां पर 2² हम देख रहे हैं कि अगर 2³ है तो इसमें 2² तो है ही, 2⁴ है तो 2² है ही। तो हमारे पास 2² जो है वो कॉमन है, ठीक है। तो 2² हमारा कॉमन हो गया। तो ये जो है क्या आ जा रहा है, ये हमें 4 दे जा रहा है। तो इस तरह से HCF 8, 12 और 16 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी 4 ही मिला, जो कि हमने अभी इसके डेफिनेशन को, या ये होता क्या है ये जब हम डिफाइन करने की कोशिश कर रहे थे तो उसमें भी हमें ये मिला था, ठीक है। अब जो है अगर हमें यहां पर डिवीजन मेथड लगाना है, तो डिवीजन मेथड के लिए हम कैसे इसमें अप्रोच करेंगे। तो डिवीजन मेथड के लिए आप यहां पर 8 से 12 को डिवाइड कर दीजिए। पहले दो नंबर्स ले लीजिए, ये और ये लिया हमने, 8 और 12 लिया। उनमें से जो छोटा था 8, उससे बड़े वाले को 12 को डिवाइड किया, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास 8 × 1 = 8 आएगा, यहां पर 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम ये जो 4 है उसको डिवाइजर बना लेते हैं, है तो वो रिमाइंडर, रिमाइंडर को हम डिवाइजर बना लेते हैं और इस वाले 8 को हम यहां ले आते हैं, ठीक है। तो 4 × 2 = 8 हो गया। अब हमारे पास यहां पर 0 आ गया रिमाइंडर। तो ये जो हमारे पास है इसको हम HCF का देते हैं, किसका, यहां पर अभी हुआ नहीं है, पूरा नहीं हुआ है अभी। अभी हमने 8 और 12 का HCF लिखा है, ठीक है। ये HCF है पर ये 8 और 12 का है खाली, ठीक है। अब जो है, जो हमें ये HCF मिला है, इसको फिर फर्दर जो हमें तीसरा नंबर बचा हुआ है उसके साथ वही काम करेंगे जो हमने अभी 8 और 12 के साथ किया। 8 और 12 में 8 छोटा था, अब क्या है 4 और 16 में 4 छोटा है, तो 4 से हम डिवाइड कराएंगे 16 को। तो ये कैंसिल ही हो जा रहा है, 4 × 4 = 16। तो यानी कि ये जो 4 है ना, हमारा फाइनली HCF हो जाएगा, ठीक है। ये 4 HCF हो गया, समझ में आई बात। तो ये हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है। तो ये हम HCF में लगाते हैं, और किसके लिए, होल नंबर्स अगर हमें दिए हुए हैं, इंटीजर्स भी नहीं, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स का भी हम LCM कैसे निकालेंगे। तो यहां पर बेसिकली हम होल नंबर्स में ही अपने आप को कन्फाइन करते हैं। तो होल नंबर्स का हमें HCF ऐसे निकालना होता है। अब LCM की बारी आती है। LCM में लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाता है, तो HCF जैसे हमने निकाला उसी तरह से हम LCM निकालेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे। तो उसमें जो है, जैसे अभी हमने क्या किया, यहां पर 2² कॉमन लिया, ठीक है। अब हम क्या लेंगे, जो इनमें हाईएस्ट होगा, ठीक है। यहां पर 2³ है, यहां 2⁴ है, और यहां 2⁻² है, यहां पर 2⁴ है। तो हाईएस्ट पावर वाला कौन सा है, 2⁴ है। तो LCM जब हम 8, 12 और 16 का निकालेंगे तो वो जो है वो निकलेगा हमें क्या, 2⁴ लेना है हमें, ठीक है। तो ये आ गया 2³, 2² और 2⁴ में से जो सबसे ग्रेटेस्ट पावर वाला था वो हमने वहां पर ले लिया।
उसके बाद जो जो बचे हुए हैं वो भी हमें लेना है, तो यहाँ पर 3 बचा हुआ है, तो वी विल टेक 3 देयर, 3 ले लेंगे हम, ठीक है। तो 2 पावर 4 तो 16 into 3 तो 48 जो है इन 3 नंबर्स का, जो हमें 8, 12 और 16 दिए हुए हैं, उनका क्या है एलसीएम है। एलसीएम कैसे निकालते हैं, ये हो गया। इसमें भी हम एक मेथड और यूज करते हैं, डिवीजन मेथड, ठीक है। तो लेट अस डू दैट। 8, 12 और 16 को हम इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक है। 2 से हम डिवाइड कराएंगे क्योंकि 2 से कैंसिल हो रहा है। इसमें ध्यान क्या रखना होता है कि आपके पास 3 नंबर्स हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, कम से कम 2 कैंसिल हो पहले हम उसको देखते हैं, वो वाला प्राइम फैक्टर लेते हैं, ठीक है। तो 2 से हम देख रहे हैं कि कितने कैंसिल हो पा रहे हैं, तो 2 से हमारे पास ये सारे ही कैंसिल हो रहे हैं, तो 2 4 जा हो गया, 2 6 जा हो गया और 2 8 जा हो गया, ठीक है। अभी फिर से ये 2 से कैंसिल होंगे तो 2 2 जा, फिर 2 3 जा, 2 4 जा, ठीक है। यहां पर तक तो ठीक रहा। अब हमें 2 से डिवाइड तो करना है, ठीक है, क्योंकि ये 2 और ये 4, देखिए ये 2 और ये 4, ये 2 से कैंसिल हो रहे हैं, तो हमें 2 से डिवाइड करना है, तो ये 1 आ जाएगा, जबकि ये 3 हम कॉपी कर देंगे। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप एलसीएम निकाल रहे हैं तो आपको बेसिकली कैसे इसमें अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो यहां पर 2, तो यहां पर 2 1 जा हो गया, 3 को चूंकि 2 की टेबल में नहीं आया वो, तो हम 3 ही कॉपी कर देते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना है जो कि नॉर्मल डिवीजन से डिफरेंट है। अब फिर 2 की टेबल में 4 आता है, 2 टाइम्स में आता है, वो लिखेंगे। फिर अभी अब चूंकि अब 2 वाले तो हमें मिलेंगे नहीं, तो 2 से ये कैंसिल हो रहा है, तो 1, फिर ये 3 जैसे हमने लास्ट स्टेप में किया था, 3 हमने कॉपी कर लिया था और 2 1 जा, ठीक है। उसके बाद यहां पर 3 लिखेंगे, अब 1 तो कैंसिल होगा नहीं, 3 और ये 1। जब लास्ट की रो में आपके पास 1 1 1 आ जाए, तो ये जो हमारे पास नंबर्स आए हैं उनको मल्टीप्लाई कराएंगे और हमें एलसीएम मिल जाएगा। आपको क्या करना है, इन सभी को मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करा दीजिए, 2 2 4 2 8 2 16 3 48, तो आपका एलसीएम जो है 48 आ जाएगा, 8, 12 और 16 का। तो इस तरह से यहां पर हमने क्या किया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला, लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकाला, एचसीएफ निकाला, महत्तम समापवर्तक निकाला, लघुत्तम समापवर्तक निकाला, दो दो मेथड से हमने निकाले, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाया, एक डिवीजन मेथड लगाया, ये भी आप डिवीजन मेथड जैसा ही मान सकते हैं। तो ये होल नंबर्स का हम कैसे निकालते हैं ये अभी हमने देख लिया। अब हमें जो देखना है वो है कि अगर आपके पास फ्रैक्शंस दिए हुए हैं तो उनके एचसीएफ और एलसीएम हम कैसे निकालते हैं। तो फ्रैक्शंस के लिए हम एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं वो अभी हम देखते हैं। आइए अब देखते हैं कि हम किसी फ्रैक्शंस के, मतलब कोई 2 3 4 फ्रैक्शंस अगर हमें दिए हुए हैं तो हम उनके एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है वो पहले हमें देखना है, ठीक है। तो एचसीएफ अगर मान रखिए कि हमें ये 3 फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, फ्रैक्शंस को हिंदी में भिन्न बोला जाता है, तो ये 3 भिन्न दिए हुए हैं, इनके हमें क्या निकालने हैं, एचसीएफ निकालने हैं। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे हम, तो एचसीएफ जो हमें निकालना है इन तीनों का, तो उसके लिए यह है कि आपको एचसीएफ निकालना है किसका, न्यूमरेटर का, 5, 10 और 25 का। न्यूमरेटर तो यही है, 5 है 10 है और 25 है न्यूमरेटर। ये देखिए, ये न्यूमरेटर होता है, ये न्यूमरेटर होता है, ये न्यूमरेटर होता है, और फिर डिवाइड कराना है उसको एलसीएम ऑफ 6, 18 और 36 से, ठीक है। तो 6, 18 और 36 से के एलसीएम से डिवाइड कराना है। तो एचसीएफ निकालना है 5, 10 और 15 का। 5, 10 और 15 का जो एचसीएफ निकालेंगे तो वो क्या निकलेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है बात। और एलसीएम जब हम निकालेंगे 6, 18 और 36 का,
तो 6, 18 और 36 में देखिए, 6 की भी टेबल में 36 आ रहा है, 18 के टेबल में भी 36 आ रहा है और 36 खुद के टेबल में तो होगा ही। तो इस तरह से एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो आपका एचसीएफ जो है इन तीनों नंबर्स का क्या आ जाएगा, 5/36। समझ में आ गया। जबकि एलसीएम अगर हमें, ये देखिए चार फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, चार भिन्न में दिए हुए हैं, इनके हमें एलसीएम निकालने हैं, तो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। यहां पर एलसीएम निकालना है तो हमें यहां पर एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर मतलब 1, 2, 3 और 4 इनके एलसीएम लिखने हैं, और डिवाइड कराना है एचसीएफ ऑफ द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर है 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो एलसीएम 1, 2, 3, 4 का क्या होगा, तो 12 होगा, क्योंकि 12 है जो कि 1 के 2 के 3 के और 4 के टेबल में आता है, और वो लीस्ट कॉमन है क्योंकि आप उसके बाद का कोई भी नंबर मतलब ले सकते हैं, लेकिन एलसीएम चाहिए तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए, तो सबसे छोटा वाला 12, ठीक है। एचसीएफ 2, 3, 4, 5 ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, एचसीएफ तो 1 ही आएगा, तो ये 12 हो गया। समझ में आई बात। तो इस तरह से हम जो है एचसीएफ निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, एचसीएफ में देखिए याद रखना बहुत आसान है, यहां पर एचसीएफ है तो न्यूमरेटर का एचसीएफ लेना है। अब एचसीएफ न्यूमरेटर का ले लिया तो हमें दूसरा चीज करना है डिनोमिनेटर पे, तो दूसरा चीज क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम आप डिनोमिनेटर के लिए लगा लीजिए, यहां पर देखिए एलसीएम है, एलसीएम आपने न्यूमरेटर का लेना है तो दूसरा चीज करना है डिनोमिनेटर पे, तो डिनोमिनेटर दूसरा क्या, एलसीएम के बाद क्या हो गया, एचसीएफ। तो एचसीएफ हम जो है डिनोमिनेटर का निकाल देते हैं, डिवाइड करा देते हैं, देख लेते हैं कितना है। तो इस तरह से हम फ्रैक्शंस का एचसीएफ और एलसीएम लेते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम जो है दो नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम अगर हमें है, और दो नंबर्स के प्रोडक्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है वो देखना है। तो यहां पर रिलेशनशिप की बात अगर कर रहे हैं तो रिलेशनशिप में आप सीधा सीधा ये करिए कि अगर आपके पास दो नंबर्स हैं, ठीक है, मान रखिए एक्स और वाई है, तो उनका प्रोडक्ट जो है वो एलसीएम ऑफ एक्स वाई मतलब एक्स वाई का जो भी एलसीएम आएगा इनटू एचसीएफ ऑफ एक्स वाई के बीच में प्रोडक्ट करा देते हैं, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। मान रखिए कि आपके ने नंबर लिया है 3 और 4, ठीक है। 3 और 4 का प्रोडक्ट जो है कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इनका एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम होगा 12, ठीक है। जबकि एचसीएफ क्या होगा, 3 और 4 का एचसीएफ 1 होगा, क्योंकि 1 इज द नंबर जो कि दोनों को डिवाइड करा सकता है। तो आप देखिए क्या आ गया, 12 × 1 12 आ जाएगा, ठीक है। कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, 8 और 12 है जैसे, ठीक है। 8 और 12 का जो प्रोडक्ट होगा वो होता है 96, और 8 और 12 का एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल तो ये हो जाता है 24, ठीक है, क्योंकि 24 सबसे छोटा नंबर है जो कि 8 और 12 से साइमल्टेनियसली कैंसल होगा। तो 8 3s और 12 2s 24, तो ये 24 हमारा आ गया एलसीएम। और एचसीएफ 4 एक ऐसा नंबर है जो कि 8 और 12 को कैंसल करता है, और वो हाईएस्ट है क्योंकि उसके बाद अगर आप 5, 6, 7, 8 लेंगे तो आपका दोनों नहीं कैंसल होगा, 12 कैंसल नहीं होगा, जबकि 4 से 8 भी और 12 भी दोनों कैंसल हो रहे, तो 4 इसका एचसीएफ हो गया। मल्टीप्लाई कीजिए, 24 × 4 कितना आ रहा है, 96 आ रहा है। तो दो नंबर्स अगर दिए हुए हैं तो उनके प्रोडक्ट जो होते हैं वो एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर हो जाते हैं। तो ये भी हमारा एक कंसेप्ट है। तो इसका क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, वो दो नंबर्स दे देंगे, एक का एचसीएफ दे देंगे, आपको कहेंगे कि एलसीएम निकाल लीजिए, या फिर उससे भी ट्रिकी ये कि एचसीएफ और एलसीएम दे देंगे, एक नंबर दे देंगे और फिर आपको दूसरा नंबर निकालने के लिए कहेंगे, या फिर
दो नंबर्स के बीच का रेशियो दे देंगे और एचसीएफ और एलसीएम दे देंगे और कहेंगे कि नंबर्स निकालिए, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम का इसके अलावा जो हमारा यूज है, देखिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपको कि फ्रैक्शंस का दे देंगे, कहेंगे कि एचसीएफ निकाल दो या एलसीएम निकाल दो, तो वो तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन आपके पास कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, जैसे कि कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, जो कुछ स्पेसिफिक नंबर्स दिए होंगे, जैसे दे देंगे कि 4, 6, 8 और 10, सभी से कैंसल होते हैं, या फिर इन सभी से जब हम डिवाइड कराते हैं तो 1 रिमाइंडर बचता है, तो उन सभी में हमें एलसीएम का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है, हम एलसीएम लगा निकालते हैं उसमें। ठीक है, उसी तरह से एक सर्कुलर ट्रैक है, उसमें जो है बंदा घूम रहा है, तो वो जो है कब फिर नए मतलब एक ही पोजीशन पे मिलेगा, उसके लिए भी हम एलसीएम ही निकालते हैं। तो वो सभी जब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो हम डिस्कस करेंगे। अभी हमने बेसिकली क्या कवर किया, तो हमने बेसिकली जो है कॉन्सेप्ट्स कवर किए कि महत्तम समापवर्तक एचसीएफ या लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम होते क्या है, उनको निकालते कैसे हैं होल नंबर्स की केस में और फ्रैक्शंस की केस में, दोनों ही केसेस में हमने देख लिया। फिर हमने एक बड़ा अच्छा रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम और एचसीएफ, रिमेंबर इस तरह का 3 के बारे में भी होता है, 3 नंबर्स अगर दिए हुए हैं तो उनमें भी हम इस तरह के रिलेशनशिप लगाते हैं, पर वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो यूजुअली आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन्हीं 2 के बेसिस पे पूछा जाएगा। ठीक है, आपने अगर एम एंड सी एजुकेशन को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए आपको और कहीं देखने की जरूरत नहीं होगी, दिस इज गारंटीड। बहुत ही जल्द हम मिलेंगे इसके अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट, एंजॉय योरसेल्फ।